गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस। सो टुडे आई वुड लाइक टू शेयर अ वीडियो ऑन बेनिफिट्स ऑफ लीज थेरेपी, हाउ इट क्योर्स अ डायबिटिक फूट। जो प्रोसीजर हम करने जा रहे हैं उसको बोलते हैं जलोका सीरम, लीज थेरेपी। लीज थेरेपी का जो जो इम्पैक्ट है, इसका अर्थ चिकित्सा बताया गया है कि कोई भी, जैसे एक तरह से रक्त मोक्षण, ब्लड पंचिंग। आचार्य सुश्रुत ने इसके बारे में वर्णन किया है कि कोई भी व्याधि हो, अगर ठीक नहीं हो रहा हो, उसमें रक्त मोक्षण अगर कर दिया जाए तो उसमें बहुत लाभ मिलेगा। जैसे डायबिटिक फूट है, तो डायबिटिक फूट की वजह से या इनके पैरों में नीचे गैंग्रीन बन रहा है, नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब हो रहा है, टिंगलिंग, नंबनेस, तो इसमें हम लीच लगाएंगे तो लीच जो होगा वो इनका अशुद्ध जो रक्त है उसको निकालेगा और अपने अंदर का जो एंजाइम है हेराडीन इनके ब्लड में छोड़ देगा। जिससे क्या होगा कि हेराडीन जाएगा तो ब्लड में कहीं भी ऑब्स्ट्रक्शन बन रहा है, थक्का बन रहा है, तो धीरे धीरे डिजॉल्व होगा और इनका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। तो जो नीचे जो गैंग्रीन बन रहा है ये धीरे धीरे ठीक होगा और नर्व सप्लाई भी ठीक होगा, टिंगलिंग नंबनेस भी ठीक होगा। इसके बारे में डॉक्टर योगी बताएंगे। और इसमें क्या है, इसका है, अभी क्या है, दोष शाखागत हो चुका है, ठीक है, दोष कोष में नहीं है। शाखागत कोष जो दोष होता है तो इनका धीरे धीरे करेंगे नेचुरल हीलिंग में, तो इनके गुंड नहीं बनेगा, गैंग्रीन की कंडीशन नहीं आएगी पेशेंट के, ठीक है। एलोपैथ में क्या है, इसका थोड़े दिन बाद इनके स्टार्ट हो जाएंगे, मस्त पस पड़ जाएगी, हाँ उसके बाद में वो कहते हैं या तो एम्पुटेशन करवा लो, पर आयुर्वेद में ऐसा नहीं है। अगर रिपीटेडली वन से वीक अपन करेंगे ना तो इनका डायबिटिक फूड ठीक हो जाएगा, सेम इनके विद इन सिक्स मंथ में सेम जैसे पूरी बॉडी का कलर है वैसा कलर हो जाएगा इसका। हाँ, क्योंकि रक्त की अशुद्धि है, क्योंकि आरबीसी को, एक आरबीसी को एलोपैथी में इसका क्योर बड़ा वो है, एलोपैथी में तो इसका ट्रीटमेंट ही नहीं है, ट्रीटमेंट ही नहीं है। हाँ, एलोपैथ में उनको क्या बोल देंगे कि यहाँ थोड़े दिन बाद इसका बस सर्जरी कराओ, ड्रेसिंग कराओ, पर ये वो इसका ट्रीटमेंट नहीं, इसमें पस फॉर्मेशन, एक लीच जो है उसका भोजन ही यही है कि अशुद्ध रक्त, जैसे ही ना प्योर ब्लड आने लग जाएगा तो लीच अपने आप वहां से हट जाएगी, ठीक है, और फिर लीच का हम वमन करवा देंगे। लंबे समय से वो कहती कि दवाई खा रही थी और इनके पैर में ऐसा, कल मेरे ओपीडी में आई थी तो फिर हमने इनको लीच प्लान किया। ओके, अभी लीच परफॉर्म कर रहे हैं, अभी लीच थेरेपी हो रही है। हाँ जी, हाँ जी, मेरे साथ डॉक्टर नेहा, बताइए आप इसके बारे में। डॉक्टर नेहा बताएंगे आप लीच थेरेपी के बारे में फर्दर। पूरा ब्लड जो इसमें इम्प्योरिफिकेशन हो गया, गैंग्रीन बन गया है, तो अभी ये पूरा ब्लड इम्प्योर ब्लड है वो यहाँ से चूस लेती है। ओके, इसके अंदर जो हेराडीन नाम का एंजाइम होता है वो एंटीबायोटिक का भी काम करेगा और पेशेंट को बिल्कुल भी पेन नहीं होता है, वन टाइम जस्ट प्रिकिंग पेन होता है। ओके, क्योंकि एक बार प्रिक करेगा तब, अभी इसे इम्प्योर ब्लड इसमें चूस लेगा, उसके ऊपर ठंडी पट्टी रख देते हैं, ठीक है। इसको ली, एक बार ली जो यूज में ली, 45 डेज तक इसको दोबारा यूज में नहीं लेंगे, पेशेंट का नाम लिख के और वहाँ लेंगे, तब तक इसके 45 डेज कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक इसको रीयूज नहीं। ओके, लीच जो है इसका कमाल है कि खुद से जितना इसको निकालना है निकाल कर खुद से छोड़ देगा। ओके सर, थैंक्स डॉक्टर लोग, डॉक्टर नेहा और डॉक्टर योगेंद्र, थैंक यू सर, धन्यवाद आपका।